करनाल में आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में नेता संजय सिंह और अनुराग ढांडा पहुंचेंगे। कार्यक्रम है बदलेंगे हरियाणा, क्योंकि अलग अलग जिलों में हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से रैलियां की जा रही हैं और मुद्दा रखा गया है कि चुनावों के अंदर जो तमाम, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, इलाज का मुद्दा हो, उन मुद्दों पर जाकर जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं। 5 गारंटियां भी दी गई हैं। तमाम आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कार्यक्रम है, किन 5 गारंटियों पर आप लोग बात कर रहे हैं? सर्वप्रथम आज शहीद उधम सिंह का शहीदी दिवस है, उनको शत शत प्रणाम। राष्ट्र उनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज इस सभा में माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, अनुराग डांडा जी और करनाल के जितने भी पदाधिकारी हैं और करनाल के आसपास के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, वो सब आज इस जनसभा में इकट्ठे हो रहे हैं। किन किन 5 गारंटियों की बात आप जनता के आगे रख रहे हैं? हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से बेहद प्रताड़ित है। 2 बार से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की जनता को गच्चा दिया है। इस बार हरियाणा की जनता बदलाव के मूड में है और आम आदमी पार्टी हरियाणा की जनता को 5 गारंटीज दे रही है। सबसे पहले हरियाणा में 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली, हरियाणा में अच्छी शिक्षा और फ्री शिक्षा, हरियाणा में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं और फ्री, और महिलाओं को 1,000 रुपये सम्मान और युवाओं को रोजगार। ये आम आदमी पार्टी की 5 गारंटीज हैं जिनको लेकर इस आगामी चुनाव में हम लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता इनको बेहद पसंद कर रही है। इस समय जनता में त्राही त्राही है। भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति करती है, उनका कोई विजन नहीं है। जनता के बीच आम आदमी पार्टी जाएगी, मैम क्या क्या मुद्दे रहेंगे चुनावों के दौरान? देखिए, आम आदमी पार्टी मूलभूत सुविधाओं की बात करती है। जो 77 साल हमारी आजादी को गया, आज तक किसी ने बात नहीं की। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, रोजगार, पानी, ये हमारी मूलभूत सुविधाएं, जब तक ये पूरी नहीं होगी कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है आम आदमी पार्टी और पूरे जोश से लोग इन चीजों को अपना रहे हैं और पूरे बहुमत के साथ हमारी सरकार आएगी। तो आप किन किन बातों को जनता के बीच रखेंगे, क्योंकि 5 गारंटी रख दी गई है, और क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे बहुत है। तानाशाही का मुद्दा है, जो डिक्टेटरशिप हो रही है, जो काम करता है, जो भला करता है, जनता के बारे में सोचता है, उनको उठाकर जेल में फेंक देते हैं। इनकी अब गुंडागर्दी नहीं चलने वाली, जनता जागरूक हो चुकी है। दिल्ली बदला, पंजाब बदला, अब हरियाणे की बारी है। अकेला केजरीवाल इन सब में भ्रष्टाचारियों के ऊपर भारी है। बिल्कुल, तमाम मुद्दों को जनता के बीच रखा जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या क्या बातें आप जनता के बीच रखेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा हाथ में है। हम ये इंश्योर करेंगे, हमारी पार्टी जब शासन में आएगी, शासन करेगी, सरकार बनाएगी, तो हम सबसे पहले महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। तो तमाम मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा है, इलाज का मुद्दा है, इसके अलावा और बात करें, महिलाओं को 1,000 रुपये दिए जाएंगे, क्या क्या गारंटी, जो 5 गारंटी है उनकी बात करें तो वो क्या क्या है? ऐसे है कि हर हमारी बहन को 1,000 रुपये मिलेगा, हर बहन को बस रुपये किराया फ्री है, हर 300 यूनिट तक बिजली फ्री है, हर बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, तीर्थ यात्रा को फ्री में मिलेगी, जितनी भी सुविधाएं पंजाब में है उनके साथ थोड़ी बहुत बढ़ा के हरियाणा में दी जाएगी। सबसे पहले मैं आज शहीद उधम सिंह जी की शहीदी दिवस है, उनको सत सत नमन करता हूँ, जिन्होंने इतनी बड़ी शहादत दी, उनको भी मैं नमन करता हूँ। शिक्षा की बात है, रोजगार की बात है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या क्या गारंटी रहेगी? देखिए, हमारे जो हरियाणा प्रदेश है, इसमें जो मीडियम परिवार है उनको सिर्फ 4 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बिजली, पानी, रोजगार और पढ़ाई, स्वास्थ्य। ये सभी हमारी आम आदमी पार्टी के मुद्दे हैं और ये हरियाणा में भी लागू करेंगे केजरीवाल जी। और मैं जनता से अपील करता हूँ,
एक मौका अब की बार केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को जरूर दे। बिल्कुल आप देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं कि कार्यक्रम रखा गया है बदले में हरियाणा का हाल। अब लाएंगे केजरीवाल, पांच घंटी के साथ आम आदमी पार्टी मैदान में आ रही है और इसके साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी बात भी कर रही है चुनावों के अंदर। ये तस्वीरें हम आपको करतारपुर पुरानी सब्जी मंडी से दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देख पा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मंच पर लगातार पहुंच रहे हैं और रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, मुफ्त इलाज की बात कर रहे हैं, महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह देने की बात की जा रही है। इसके अलावा तमाम और गारंटियां हैं, तमाम और मुद्दे हैं जिसको लेकर आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में चुनाव में उतरेगी। देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी का चुनावों में प्रदर्शन कैसा रहता है। जो हमारी सुनीता केजरीवाल जी ने अभी चंडीगढ़ में 5 घंटियां दी हैं, हम उनको हरियाणा में पूरा करेंगे। अगर हम पूरी सरकार लेके आते हैं हरियाणा में तो हम ये 5 घंटियां जमीनी तौर पर पूरी करेंगे जैसे कि दिल्ली में की। क्या क्या बातें आप पब्लिक के बीच रख रहे हैं? शिक्षा स्वास्थ्य जो सबसे बड़ी समस्या है हरियाणा की, सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा। गरीब को शिक्षा नहीं मिल रही है जो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि गरीब का बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो वो मजदूर ही बन रहा है या फिर इधर उधर भटक रहा है। अगर गरीब को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा तभी तो उनके बच्चे आगे पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, क्योंकि गरीब बंदों के पास पढ़ाने के लिए इतना पैसा नहीं है जो प्राइवेट स्कूल वाले फीस वहाँ पे मांगते हैं, इतना गरीबों के पास नहीं है। आपका शुभ नाम? बेअंत कौर। कार्यक्रम है, क्या क्या गारंटी लेकर आम आदमी पार्टी चल रही है? हाँ जी सर, ये जो 5 गारंटी ली है उन्होंने, जो पंजाब में भी ली थी और दिल्ली में, तो वो कर ही रहे हैं काफ़ी टाइम से काम, और देखो वहाँ पर वो अपनी जो उन्होंने गारंटियाँ दी थी उस पर सारी खरी उतरी है। तो हमें पक्की उम्मीद है अभी हरियाणा में अगर केजरीवाल जी की सरकार आती है तो लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। जो गरीब बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाते उनको अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य जरूर मिलेगा, हमें इस चीज़ का यकीन है। तो चुनाव है, चुनावों में ये तमाम बातें रखी जाएंगी? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल रखी जाएंगी सर, और इन्हीं के ऊपर ही काम होगा। आपका शुभ नाम? रमन गुप्ता। आम बातें लेकर आम आदमी पार्टी जनता के बीच जा रही है, क्या क्या बात? हाँ जी, जैसे कि उन्होंने बिजली की गारंटी ली कि 300 या 200 यूनिट फ्री मिलेगी, अब आम जो इंसान है 10-15 हज़ार कमाता है उसका 4-5 हज़ार तो बिजली का बिल ही आ जाता है, फिर नहीं भरे जाते ना उनसे बिल, तो ये सरकार कुछ तो हेल्प करेगी उसमें भी। और जो शिक्षा के लिए भी गवर्नमेंट स्कूल्स भी अच्छे बनाएगी बिल्कुल प्राइवेट की, जैसे जैसे दिल्ली में बनाए भी हैं, बाहर से विदेशों से लोग भी उसे देखने आते हैं, और गली गली में मोहल्ला क्लिनिक भी खोल रखे हैं वहाँ दिल्ली पंजाब में, तो जैसे वहाँ फॉलो हो रहा है हर चीज़ वैसे यहाँ आएगी तो यहाँ भी फॉलो होगा। तो चुनावों में तमाम बातें हाँ जी बताई जाएगी, और महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये देने का भी वादा कर रही है सरकार, जिन्हें ज़रूरत होगी उन्हें मिलेगा ही। आपका नाम? ज्योति गाबा। पार्टी की गारंटी है जो चुनावों में आप लोग देंगे? सर पहली तो है शिक्षा की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, दूसरी है बिजली की गारंटी, चौथा पानी की गारंटी, और हर महिला को 1,000 रुपये, 5 गारंटी है हमारी। तो किस तरीके से देखते हैं चुनावों के अंदर, किस तरीके से मैदान में जाएंगे? सर मैदान में तो हमारी पार्टी लगी हुई है और जोर शोर से लगी हुई है, और दोनों पार्टियों को कड़ी टक्कर दी जाएगी और सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। आज क्या कार्यक्रम है? आज हमारे राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी आ रहे हैं तो उनका ही प्रोग्राम है, रैली है। आपका नाम? डॉक्टर गौरव गोयल। करनाल में आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में नेता संजय सिंह और अनुराग ढांडा पहुंचेंगे। कार्यक्रम है बदलेंगे हरियाणा, क्योंकि अलग अलग जिलों में हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से रैलियां की जा रही हैं और मुद्दा रखा गया है कि चुनावों के अंदर जो तमाम, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, इलाज का मुद्दा हो, उन मुद्दों पर जाकर जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं। 5 गारंटियां भी दी गई हैं। तमाम आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कार्यक्रम है, किन 5 गारंटियों पर आप लोग बात कर रहे हैं? सर्वप्रथम आज शहीद उधम सिंह का शहीदी दिवस है, उनको शत शत प्रणाम, राष्ट्र उनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज इस सभा में माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, अनुराग डांडा जी और करनाल के जितने भी पदाधिकारी हैं,
और करनाल के आसपास के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो सब आज इस जनसभा में इकट्ठे हो रहे हैं। किन किन पांच गारंटियों की बात आप जनता के आगे रख रहे हैं? हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से बेहद प्रताड़ित है। दो बार से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की जनता को गच्चा दिया है। इस बार हरियाणा की जनता बदलाव के मूड में है और आम आदमी पार्टी हरियाणा की जनता को पांच गारंटीज दे रही है। सबसे पहले हरियाणा में 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली, हरियाणा में अच्छी शिक्षा और फ्री शिक्षा, हरियाणा में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं और फ्री, और महिलाओं को 1,000 रुपये सम्मान और युवाओं को रोजगार। ये आम आदमी पार्टी की पांच गारंटीज हैं जिनको लेकर इस आगामी चुनाव में हम लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता इनको बेहद पसंद कर रही है, इसमें जनता में त्राही त्राही है। भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति करती है, उनका कोई विजन नहीं है। जनता के बीच आम आदमी पार्टी जाएगी, मैम क्या क्या मुद्दे रहेंगे चुनावों के दौरान? देखिए, आम आदमी पार्टी मूलभूत सुविधाओं की बात करती है। जो 77 साल हमारी आज़ादी को गया आज तक किसी ने बात नहीं की। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, रोजगार, पानी, ये हमारी मूलभूत सुविधाएं, जब तक ये पूरी नहीं होगी कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच आ रही आम आदमी पार्टी और पूरे जोश से लोग इन चीज़ों को अपना रहे हैं और पूरे बहुमत के साथ हमारी सरकार आई। तो आप किन किन बातों को जनता के बीच रखेंगे, क्योंकि पांच गारंटी रख दी गई है, और क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे बहुत हैं। तानाशाही का मुद्दा है, जो डिक्टेटरशिप हो रही है, जो काम करता है, जो भला करता है, जनता के बारे में सोचता है, उनको उठाकर जेल में फेंक देते हैं। इनकी अब गुंडागर्दी नहीं चलने वाली। जनता है जो काम करता है, जो भला करता है, जनता के बारे में सोचता है, उनको उठाकर जेल में फेंक देते हैं। इनकी अब गुंडागर्दी नहीं चलने वाली। जनता जागरूक हो चुकी है। दिल्ली बदला, पंजाब बदला, अब हरियाणा की बारी है। अकेला केजरीवाल इन सब में भ्रष्टाचारियों के ऊपर भारी है। बिल्कुल, तमाम मुद्दों को जनता के बीच रखा जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या क्या बातें आप जनता के बीच रखेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा ताकते हैं। हम ये इंश्योर करेंगे, हमारी पार्टी जब शासन में आएगी, शासन करेगी, सरकार बनाएगी, तो हम सबसे पहले महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। तो तमाम मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा है, इलाज का मुद्दा है, इसके अलावा और बात करें, महिलाओं को 1,000 रुपये दिए जाएंगे, क्या क्या गारंटी, जो पांच गारंटी है उनकी बात करें तो वो क्या क्या है? ऐसे है कि हर हमारी बहन को 1,000 रुपया मिलेगा, हर बहन को बस पे किराया फ्री है, हर 300 यूनिट तक बिजली फ्री है, हर बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, तीर्थ यात्रा बुजुर्गों को फ्री में मिलेगी, जितनी भी सुविधाएं पंजाब में है उनके साथ थोड़ी बहुत बढ़ा के हरियाणा में दी जाएगी। सबसे पहले मैं आज शहीद उधम सिंह जी की शहीदी दिवस है उनको सत सत नमन करता हूँ, जिन्होंने इतनी बड़ी शहादत दी उनको भी मैं नमन करता हूँ। की बात है, रोजगार की बात है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या क्या गारंटी रहेगी? देखिए, हमारे जो हरियाणा प्रदेश है इसमें जो मीडियम परिवार है उनको सिर्फ 4 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बिजली, पानी, रोजगार और पढ़ाई, स्वास्थ्य। ये सभी हमारी आम आदमी पार्टी के मुद्दे हैं और ये हरियाणा में भी लागू करेंगे केजरीवाल जी। और मैं जनता से अपील करता हूँ, एक मौका अब की बार केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को जरूर दें। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं कि कार्यक्रम रखा गया है, बदले में हरियाणा का हाल अब लाएंगे केजरीवाल। पांच गारंटी के साथ आम आदमी पार्टी मैदान में आ रही है और इसके साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी बात भी कर रही है चुनावों के अंदर। ये तस्वीरें हम आपको करनाल की पुरानी सब्जी मंडी से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मंच पर लगातार पहुंच रहे हैं और रोजगार
रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, मुफ्त इलाज की बात कर रहे हैं, महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह देने की बात की जा रही है, इसके अलावा तमाम और गारंटियां हैं, तमाम और मुद्दे हैं जिसको लेकर आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में चुनाव में उतरेगी। देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी का चुनावों में प्रदर्शन कैसा रहता है। न्यूज 18 हरियाणा के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। किन बातों को, किन किन गारंटियों को पब्लिक के बीच में रखेंगे? आम आदमी पार्टी जो दिल्ली और पंजाब में जो गारंटियां लागू हो चुकी हैं उनको तो देगी हरियाणा में, और हम आशा करते हैं कि हरियाणा में और भी ज़्यादा कुछ जनता को मिले। बाकी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, लेडीज़ को 1,000 रुपये हैं हर मंथली, और ये टूरिस्ट हैं इनके लिए बिजली फ्री है, वो सारी सुविधाएं। सुनीता फोगाट। 15 दिनों में 45 रैलियां कर रही है और ये बदलाव की रैली है, हरियाणा में परिवर्तन की रैली है। यहाँ के लोगों ने बीजेपी को भी मौका दिया, कांग्रेस को भी मौका दिया, चौटाला को भी मौका दिया। एक मौका अपने बेटे केजरीवाल को दें, एक मौका एक ऐसी पार्टी को दें जिसने दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री किया। एक मौका एक ऐसी पार्टी को दें जिसने पंजाब के अंदर बिजली फ्री, पानी फ्री की योजना वहाँ भी लागू की, किसानों को सिंचाई के लिए पानी और दिन में बिजली का इंतजाम, ये भगवंत मान जी की सरकार कर। तो हम दोनों जगहों पे अपने काम के उदाहरण देकर हरियाणा के लोगों को 5 गारंटी हमने दी है। रोजगार की गारंटी, बिजली फ्री की गारंटी, शिक्षा फ्री की गारंटी, इलाज फ्री की गारंटी, और ये सारी गारंटियाँ हम पूरा करके दिखाएंगे। हरियाणा के लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, जब आप अपना वोट देने के लिए जाइएगा तो महंगाई को याद करके जाइएगा, अग्निवीर योजना लागू करके आपके नौजवानों के साथ जो धोखा किया है बीजेपी की सरकार ने उसको याद करके जाइएगा। हरियाणा की सरकार ने 3,000 स्कूल बंद करके आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है, इसको याद करके जाइएगा। महंगे सिलेंडर, महंगे पेट्रोल, ये सब कुछ जब आपको याद रहेंगे तो केजरीवाल जी याद रहेंगे, आम आदमी पार्टी याद रहेगी, झाड़ू निशान याद रहेगा। मैं पानी के जो देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, बीजेपी बहुत ही शातिर पार्टी है। अनुराग ठाकुर तो गोली मारो छाप नेता है, उसके बारे में ज़्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बीजेपी जो है वो वास्तव में जाति पूछ कर ही काम करती है। बीजेपी जाति पूछ कर काम करती है। जब प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ तो उस समय के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित जाति से थे। जब प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ तो मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो आदिवासी जाति से हैं। जब संसद का उद्घाटन हुआ तो मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो आदिवासी हैं। और अखिलेश यादव जी कन्नौज के एक मंदिर में अपने पत्नी के साथ दर्शन करने चले गए तो भाजपाइयों ने गंगा जल से मंदिर धुला। बीजेपी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से, मुसलमानों से, अल्पसंख्यकों से नफरत करती है। मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, सबसे नफरत करने का काम करते हैं। इनके नस नस में नफरत भरी हुई है, इनके नस नस में घृणा भरी हुई है। इसलिए अनुराग ठाकुर तो गोली मारो छाप नेता है, उन्होंने क्या बोला वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि भाजपाई जातिवादी पार्टी है, ये मनुस्मृति में यकीन रखते हैं, ये जातिवाद में। सर, SYL को लेकर क्या? 15 दिनों के अंदर 45 रैलियां करने का एक अनूठा और मुझे लगता है बेमिसाल कार्यक्रम आम आदमी पार्टी ने शुरू किया। इतनी गर्मी के अंदर जहां खड़ा रहना मुमकिन नहीं है, हमारी सभाओं में हजारों हजार लोग आ रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर। अभी तक 9-10 सभाएं पूरी हुई है, 45 सभाएं आज तक राजनीति के इतिहास में हरियाणा में किसी पार्टी ने 15 दिन में नहीं किए। अपनी सबसे टॉप लीडरशिप को लेकर के हम वो काम करके दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे पास मजबूत संगठन है, लोगों का आम आदमी पार्टी के प्रति जबरदस्त लगाव और प्यार है वो देखने को मिल रहा है। हमें पूरा विश्वास है
कि आम जनता मिलकर के हरियाणा में आम आदमी का राज 2024 में बनाए। किन मुद्दों और किन किन गारंटियों को लेकर आप जनता के हम केजरीवाल जी की 5 गारंटियों को लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं। हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि आखिर 5 ही गारंटी क्यों, लोगों के मन में उत्सुकता है कि आखिर 5 गारंटी क्यों दी अरविंद केजरीवाल जी ने। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि दशकों के राजनीतिक इतिहास में हरियाणा में किसी भी पार्टी ने आज तक ना तो 24 घंटे बिजली सुनिश्चित कर पाए ना मुफ्त बिजली दे पाए। केजरीवाल जी की पहली गारंटी है आम आदमी का राज आएगा, 24 घंटे बिजली मिलेगी और मुफ्त बिजली मिलेगी। कोई सरकार आज तक अच्छे अस्पताल नहीं दे पाई, अच्छा इलाज नहीं पाई। केजरीवाल जी ने कहा है शानदार अस्पताल बनाएंगे, मुफ्त में इलाज करेंगे हरियाणा के लोगों का, कोई भी बीमारी क्यों ना हो। तीसरी बात, कोई सरकार आज तक सरकारी स्कूल अच्छे नहीं बना पाई, सिर्फ बंद किए आज तक पार्टियों ने सरकारी स्कूल। आम आदमी पार्टी सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएगी, सारे शिक्षकों की जो वैकेंसीज है उनको भरेंगे और बच्चों को शानदार शिक्षा हरियाणा के बच्चों को देंगे। चौथी बात, महिलाओं का सम्मान कोई पार्टी आज तक सुरक्षित नहीं कर पाई। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है हमारी सरकार आएगी, 1,000 रुपए की सम्मान राशि हर महीने हरियाणा की हर महिला को देंगे। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण गारंटी कि 100% रोजगार का सपना आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा के लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जो आज तक कोई भी पार्टी जो सरकारी नौकरियों की वैकेंसी है वो भी पूरी नहीं भर पाई, कांग्रेस की सरकार हो 1.5 लाख नौकरी खाली होती है, बीजेपी की सरकार हो 2 लाख नौकरी खाली होती है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि आम आदमी की सरकार आएगी, 100% रोजगार सुनिश्चित करेंगे हरियाणा के लिए। चुनाव लड़ेंगे 90 की 90 विधानसभा सीटों पर, आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। और जब लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, लोगों से जब हमारा गठबंधन है तो फिर हमें किसी और की क्या जरूरत है, हमें लोगों का प्यार मिल रहा है, आम आदमी की सरकार पूरे बहुमत की बनेगी हरियाणा के। कौन सा इशू? देखिए इंडिया गठबंधन का स्पष्ट मत है, हमने इकट्ठे चुनाव लड़ा, वो संविधान की रक्षा के लिए हमारी राष्ट्रीय नीति है। और अभी भी सारे दल संसद में मिलकर के इस तानाशाही सरकार का मुकाबला कर रहे हैं, एक बुलंद आवाज वहां प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, जो भी लोकतंत्र से प्यार करता है चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो, वो अरविंद केजरीवाल जी की जैसे गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी की गई है उसका विरोध करेगा ही करेगा। और वही आपको देखने को मिल रहा है कि पूरे हिंदुस्तान की सारी पार्टियां अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। ऐसे मंचों पर ये आवाज उठना इसलिए जरूरी है, वरना ये तानाशाही बेलगाम हो जाएगी। इसलिए वो लोकसभा चुनाव का संसद का मामला है, जब विधानसभा चुनाव का मामला आता है, जैसे लोगों ने दिल्ली विधानसभा में, जैसे लोगों ने पंजाब विधानसभा में हम पे यकीन किया, वैसे लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के ऊपर विश्वास जताएंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पता नहीं कितने ही नेता हैं, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जो गाली देने से शुरुआत करते हैं और उसके बाद सदन से ही बाहर नहीं होते, राजनीति से बाहर हो जाते हैं। लोग ऐसी इस तरीके का रुझान, इस तरीके का बर्ताव पसंद नहीं करते, उनको अपनी भाषा पे